जैसा कि आप जानते हैं HSG और SSG दोनों ही ड्यूबल पेटेंसी के लिए हैं, यानी कि ये दोनों ही इन्वेस्टिगेशंस ये बताती हैं कि आपकी ट्यूब खुली है या बंद है। फिर पेशेंट्स पूछते हैं, मैडम हम HSG कराएं या SSG? तो मैं इसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले बात हम करते हैं हिस्टीरोसल्पिंगोग्राफी यानी कि HSG। HSG में क्या होता है कि आपको लिथोटॉमी पोजीशन में लिटाया जाता है, इसके बाद आपके सर्विक्स से डाली जाती है जो कि यूट्रस से होते हुए ट्यूब से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में आती है। तो इसके बाद उसके एक्सरे लिए जाते हैं, तो आपके पास एक फिल्म होती है जिसमें आपका यूट्रस दिखता है और ट्यूब दिखती है, और उस फिल्म से ये पता चलता है कि अगर आपकी डाई बार एब्डोमिनल कैविटी में स्पिल हो रही है तो यानी कि आपकी ट्यूब खुली हुई है।